गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माय नेम इज़ कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल आई विल टीच यू मैथ्स इन क्लास ट्रैक तो बच्चों आ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपकी मैथ्स की बुक में पहले तो मैंने आपको आपकी मैथ्स की बुक से इंट्रोडक्शन कराया था कि आपकी मैथ्स की बुक कैसी है मैथ्स की बुक के साथ आपको क्या क्या मिलता है स्वर्ध्य नेप के बारे में बताया था और उसमें हमने अपना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टॉल एंड शॉर्ट जिसमें हमने पढ़ा था कि आ, हमने समझा था कि टॉल क्या होता है शॉर्ट क्या होता है यानी बड़ी चीज़ क्या है और छोटी चीज़ क्या है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि आपके बुक में आपको क्या करना था जैसे मैंने आपको बताया था ये बुक का पेज था हमारा पेज नंबर फाइव इस पर दिया गया था टॉल एंड शॉर्ट हमें दो लेटर्स थी एंड दो सीढ़ियाँ थी उनमें डिफरेंस करके बताना था कि बड़ी वाली सीढ़ी कौन सी है छोटी वाली कौन सी और हमें जो बड़ी वाली थी उस पर टिक लगाना था तो हमने जो बड़ी वाली लेटर थी यानी सीढ़ी थी उस पर राइट का जो ए, है टिक लगाया था और उसके बाद हमने पढ़ा था सर्किल द शॉर्ट वन यानी और जो छोटा है यानी जिराफ और डॉग में से जो छोटा है उसके ऊपर हमने सर्किल किया था तो हमने डॉग के ऊपर सर्किल किया था और ये तो पिछली क्लास की बात हो गई और मैंने आपसे कहा था कि ये तो आपके वर्क बुक का काम हो गया जो आप स्कूल से आपको बुक्स मिलती है उसका काम हो गया उसके अलावा आपके जो है मैथ्स की जो नोटबुक होती है स्कूल की नोटबुक उसमें आपको किस तरह से काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी तो देखो आज अपन मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ जिस तरह से आपको काम करना है कि आप किस तरह से अपने नोटबुक में काम करेंगे तो देखिए ये आपकी मैथ्स की नोटबुक है ठीक है बॉक्स वाली नोटबुक होती है मैथ्स की आपकी तो ये आपकी जो है मैथ्स की नोटबुक है अब क्या करना है सबसे ऊपर लिखना है क्लास वर्क और ये काम आपको स्कूल से भी मिलता है जैसे आपको पता है मैम आपको काम देती है अब आपको क्या करना है अगर मैम के पास अगर आप कॉपी नहीं जा रही है तो आप कैसे कर सकते हो खुद तो कलर क्लास वर्क लिखोगे सबसे पहले ऊपर देखिए क्लास वर्क लिखा हुआ है उसके आगे क्या बना दिया है एक क्लाउड बना दिया यानी बादल बना दिया थोड़ा डिजाइन किया हुआ उसके बाद पेज नंबर फाइव में जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था जो हमारा पेज नंबर फाइव है पेज नंबर फाइव ये टॉल एंड शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां से पढ़ा अब देखिए क्या करना है टॉल एंड शॉर्ट टॉपिक का नेम लिखना है हम क्या पढ़ रहे थे टॉल एंड शॉर्ट उसके बाद आपको क्या करना है और एक पिक्चर लगानी है इस तरह की पिक्चर लगानी है जैसे कि आप है ना जैसे टॉल और शॉर्ट में आपको ना डिफरेंस पता चल जाए ये जैसे मैं यहाँ पे लगाई हुई है कलर द शॉर्ट ट्री तो आपको क्या करना है जो शॉर्ट ट्री होगा उसको कलर करना है ये कोकोनट का ट्री है ये बड़ा है तो ये टॉल है और इसके पास में एक और है ना ट्री है वो शॉर्ट है तो इस पर ये वाला जो छोटा वाला ट्री है इस पर हमें कलर करना है तो आपको क्या करना है आपको कहीं से मिल जाए अगर बुक या फिर आप अपनी बुक से ही है ना फोटो कॉपी करा के उस पर रंग आ, कलर कर सकते हो तो इस तरह से आपको काम करना है जो नोटबुक का काम होगा इस तरह से होगा ओके और देखो बुक में भी आपके नीचे लिखा हुआ पेज नंबर फाइव डू इन बुक और जो पेज नंबर फाइव है वो आपको बुक में भी करना है यानी बुक में तो काम करना ही है साथ ही साथ में आपको नोटबुक में भी काम करना है अगर आप स्कूल में देते हो तो आपको ऐसे पेस्ट करके देते थे और आप खुद करना चाहो तो यहाँ पर एक फोटो लगा सकते हैं कलर द शॉर्ट वन फिर तो दोनों ट्री में से दोनों को नहीं करना है जो शॉर्ट है जो छोटा वाला ट्री है उसको आपको कलर करना है तो ये जो छोटा वाला ट्री है उसको हम कलर कर सकते हैं तो इस तरह से आपका जो है नोटबुक का काम हो जाएगा टॉल एंड शॉर्ट तो आप समझ गए किस तरह से हमें काम करना है तो हमने देखा था कल जैसे कि देखो टिक द टॉल वन हमें क्या करना था एक टॉ तो, जो टॉल वन है यानी बड़ी वाली सीढ़ी को हमें अ टिक करना था तो हमने इस वाले सीढ़ी पर टिक किया था उसके बाद था और सर्किल द शॉर्ट वन हमें क्या करना था जो पॉपी शॉर्ट है उस पर टिक, आ, सर्किल करना था तो हमने इस वाले पॉपी पर सर्किल किया था ये देखिए ये वाला पॉपी था और इस पर हमने सर्किल किया था यानी गोला किया था क्योंकि ये वाला पॉपी जो है जिराफ से छोटा है तो और किस तरह से आपको काम करना है मैंने बता दिया है क्लास वर्क लिखा है ऊपर फिर पेज नंबर फाइव लिखा हुआ है टॉल एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या था जो टॉपिक था टॉल एंड शॉर्ट यानी हम लंबा और छोटा के बारे में पढ़ रहे थे कि बड़ी चीज क्या होती है छोटी चीज क्या होती है फिर यहाँ पर एक फोटो पेस्ट किया हुआ है आप फोटोकॉपी करके भी लगा सकते हो चाहे अपने बुक में से लेटर वाला फोटो आप फोटोकॉपी कॉपी करा कर लगा सकते हो और एक लेडर पर आप रंग कर सकते हो कलर कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो या तो तो ये तो हो गई हमारी नोटबुक की बात कि हमें मैथ्स की नोटबुक में किस तरह से काम करना है उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो काम समझाया है आप समझ गए होंगे और अच्छे से अपने काम को कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू